एमसीक्यू मैराथॉन सीरीज ऑल माय क्लास ट्वेल्थ ह्यूमानिटीज स्टूडेंट तो आज हमें स्टार्ट करनी है अपनी हिस्ट्री की एमसीक्यू सी मैराथन सीरीज हमारे टर्म वन में जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं ब्रिक्स बीच बोर्न किंग्सम चैप्टर कमिंग इन एग्जाम आज से हम उसके एमसी क्यू करना स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉ द डेप्थ ऑफ द चैप्टर मैं आपको एमसीक्यूज करवाने वाली हूँ टू बनेक्टेड विद दिस सीरीज एंड यू नो मी आई एम सिमरन सहनी एंड मैंने अपने चैनल पर क्लास ट्वेल्थ ह्यूमैनिटीज का फुल सिलेबस पढ़ा रखा है विद ऑल दबजेक्ट हिस्ट्री पोलिटिकल साइंस जोग्रफी बहुत सारे सब्जेक्ट है इकनोमिक्स स्टडी फ्रॉम माई चैनल इफ यू डोट नो मी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस की जॉग्रफी की, सोशलॉजी की, की, की तो आप सारे चैप्टर्स जाकर पढ़ सकते हो एंड जब आप चैप्टर पढ़ लो तो उसके बाद आप यहां मेरी इस एमसीक्यू मैराथन सीरीज से एमसीक्यू क्वेश्चन जो हो प्रिपेयर कर सकते हो तो यह ब्रिक्स बीच बोन्स की फर्स्ट वीडियो होगी कुछ समय बाद सेकेंड वीडियो आएगी जिसमें और एमसीक्यू करेंगे कराती रहूंगी मैं ह्यूमानिटी स्टूडेंट्स आपको एमसीक्यू रुकूंगी नहीं जब तक टर्म वन का एग्जाम नहीं हो जाता ओके। okay. तो ब्रिक्स चैप्टर नहीं पढ़ा है मेरी तो पहले एमसीक्यूज को देखना okay. ऐसा नहीं है कि भैया रट्टे नहीं मार पाओगे बहुत कुछ है इवन अगर आप मुझसे पढ़ते हो सारे चैप्टर्स सा अगर आपने मुझसे ब्रिक्स बीच पढ़ा इंग्लिश पढ़ी है इंग्लिश इज ऑलसो देयर ऑन माई ह्यूमैनिटीज़ तो अगर आपने मेरे से कोई चैप्टर पढ़ा होगा तो तुमने देखा है मैं बीच में बताती हूँ दिस इज अ वन मार्कर इवन पॉलिटिकल और हिस्ट्री में तो मैंने भर भर के वन मार्कर बताए हैं तो वो जो कुछ मैं एज अ वन मार्कर आपको बताती हूँ वो सब आपके एमसी क्यू है मैंने जोग्रफी भी पूरी पढ़ा रखी है अपने चैनल पर वो भी एमसी है तो फर्स्ट रीड द चैप्टर्स एंड देन एम सी क्यू मार्क स्टार्ट करते हैं अपनी तो आज ये इंट्रोडक्टिव वीडियो थी तो इसलिए एक डेढ़ मिनट का आपका इंट्रोडक्शन हो गया नाउ लेट स्टार्ट आर फर्स्ट क्वेश्चन तो पहला क्वेश्चन है द फर्स्ट डिस्कवर्ड हरप्पन साइट यानी कि हरप्पन सिविलाइजेशन की पहली साइट कौन सी डिस्कवर्ड हुई थी कौन सा शहर सबसे पहले पाया गया था या खोजा गया था तो हरप्पा मोहेंद्र लोथल या राखी गरी तो करेक्ट आंसर है हरप्पा है नेक्स्ट मैं जो क्वेश्चन के आंसर्स है थोड़ा छुपाने की कोशिश करती हूँ हरप्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर कौन से रिवर के किनारे पे जो है हरप्पा लोकेटेड है इंडस गंगा यूफ्रेट्स या रावी तो करेक्ट आंसर इज रावी रिवर के जो बैंक है उस पर हरप्पन सिविलाइजेशन इज लोकेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट वर द पेट एनिमल्स और हरपन सिविलाइजेशन पेट एनिमल्स में कौन कौन से एनिमल्स को ये रेयर करते थे यानी कि पालतू जानवरों की तरह कौन कौन से एनिमल्स को हमारे हरपन सिविलाइजेशन के लोग रखा करते थे कैटल को शीप को गोट को बफेलो को पिक को या ऑल ऑफ देक्ट आंसर है ऑल ऑफ द वे सारे के सारे जो एनिमल्स है ये इनको पालतू जानवरों की तरह पाला करते थे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे क्वेश्चन नंबर फोर द ग्रेट बात इज फाउंड इन विच टाउन ऑफ इंडस वाली सिविलाइजेशन ग्रेट बात हमें कहा मिला था मोहिंदेदारों में हरप्पा में नाग श्वर में या बालाकोट में तो करेक्ट आंसर इस मोहनजोदारो में ग्रेट बात जो था वो मिला था ठीक है वेयर वॉज एविडेंस ऑफ प्लॉट फील्ड फाइंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन तो ये क्वेश्चन आपके मैप के लिए भी इंपॉर्टेंट है एन एम के लिए भी तो प्लॉट फील्ड का एविडेंस हमें कहाँ मिला था यानी कि प्लॉट फील्ड के आप कह सकते हो हमें पता चला यहाँ पे जुते हुए खेत हैं कालीबंगन में मोहनजेदारो में नागेश्वर में या बालाकोट में तो करेक्ट आंसर इस कालीबंगन में मिला था नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाउन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज़ नो सिटाडेल ऐसा कौन सा टाउन है ऐसा कौन सा शहर है इंडस वाली का जिसमें कोई सिटाडेल नहीं है सिटाडेल कौन सा होता है हमारा अपर टाउन को सिटाडेल कहते हैं ना जहाँ पे पब्लिक स्पेसेस होती है ना तो कौन सा ऐसा शहर है जहां पर सिटाडल नहीं था वरना ये जो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन थी इसका स्ट्रक्चर कैसा था कोई भी शहर होता था उसमें एक सिटाडेल होता था और एक लोअर टाउन होता था सिटाडेल में ग्रेट बाथ ग्रीनरीज होती थी पब्लिक स्पेसेस होती थी स्तूपा एरिया होता था और जो हमारा लोअर टाउन होता था वो रेजिडेंशियल तो अब बड़ी बेहतरीन नालियाँ बनी हुई थी सीवेज के लिए है ना और घर बने हुए थे जो प्राइवेसी से भरपूर थे और उनमें कोई खिड़कियाँ नहीं थी और टू स्टोरीड थे तो ऐसा कौन सा शहर था जहाँ कोई सिटाडेल नहीं थे राखी गरी हरप्पा छर या लोथल तो करेक्ट आंसर है छानो धुरो में कोई भी सिटाडेल नहीं था नेक्स्ट वर द वाइल्ड एनिमल्स ऑफ हरपन सिविलाइजेशन कौन कौन से थे बोर डियर घरियाल या सब ऑल ओव द बफ तो करेक्ट आंसर इज ऑल ओव द बफ एंड यू गैस नो अभी रिसेंटली हरप्पा की जो एक साइट थी उस पर एक्जैक्वेशन होते हैं अभी दो हज़ार इक्कीस में कुछ समय पहले उसके ऊपर भी आपके कुछ अगर क्वेश्चन आ सकते हुए तो वो मैं आपको करा दूँगी आपके एग्जाम के लिए या फिर वो ये जनरल नॉलेज ऑल्सो आपको वो पता होने चाहिए तो अगर आपको टाइम मिले तो न्यूज़ पर सर्च करके देखना और द रीसेंट हन साइट एंड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, में थोड़ी बहुत इफॉर्मेशन आपके लिए पेस कर दूँगी सो दट यू कैन रीड इट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आप अपना क्वेश्चन नंबर एट नहीं मैंने टू हरप्पन सेटलमेंट्स विच वर स्पेशलाइज सेंटर्स फॉर मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट्स तो इसका डायरेक्ट आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है नागेश्वर और बालाकोट में जो है शेल ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं आगे मैं पूछूंगी ये क्वेश्चन तो आप आंसर कर देना ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द साइट वेयर वाटर रिजर्वयर्स वर फाउंड कौन सी साइट पर वाटर रिजर्वर मिले थे तो राखी गरी हरप्पा मोहिजा या ढोलावीरा तो करेक्ट आंसर है ढोलावीरा में हमें जो है क्या मिले थे वाटर रिजर्व में बायोली मिली थी हमें टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लो हैव बीन फाउंड एट विथ साइट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन तो टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो हल्का टेराकोटा मॉडल हमें कहाँ मिला था चोलिस्तान में बानावली में बलाकोट में या बोथ ए एंड बी में तो करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी चोलिस्तान और बालावली दोनों में हमें जो है प्लो के जो थे टेराकोटा मॉडल्स मिले थे नेक्स्ट क्वेश्चन वन हरप्पन साइट दैट इज नाउ इन पाकिस्तान तो इन सब में से कौन सी हरप्पन साइट है जो अभी के टाइम पे पाकिस्तान में है लोथल कोत दीजी राखी गढ़ी ढोलावीरा तो करेक्ट आंसर कोत है अगर यहाँ पे हरप्पा होता तो आप हरप्पा मेंशन करते ठीक है ये समझ लो आप यहाँ पे अगर यहाँ पे हरप्पा मेंशन होता तो आप हरप्पा करते बाय बिकॉज हरप्पा अभी पाकिस्तान में है मोहन जो भी पाकिस्तान में बट लोथल राखी गढ़ी ढोलावीरा तीनों इंडिया में है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन फ्रॉम विच ट्रेसिस केनाल्स हैव बीन फाउंड इन इंडस वाली सिविलाइजेशन कौन सी ऐसी हमारी साइट थी जहाँ पे हमें केनाल के ट्रेस मिले छोड़ तो गई मोहिंदोदारो बानावालिया बालाकोट तो करेक्ट आंसर इज छोड़ तो गई ये सब मैंने आपको चैप्टर में कराया था इस नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स हैज नॉट बीन फाउंड इन द हरप्पन ग्रेव इनमें से कौन सी चीज हरप्पन ग्रेव में नहीं मिली थी पोट्री एंड ऑर्नामेंट्स कॉटन की ड्रेसेस ज्वेलरी और कॉपर मिरर तो करेक्ट आंसर है कॉटन की ड्रेसेस नहीं मिली हमें जो है कहाँ पे हरपन ग्रेव में तो ये आपको लर्न कर लो दैट एक्चुअली में ग्रेव में से कब्रों में से क्या क्या मिला था पोट्री ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी और कॉपर के मिरर मिलते थे हमारे को नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन वेयर वॉज वाटर फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन वाटर रिजर्वायर कहाँ मिला था बानावाली में बालाकोट में ढोलावीरा में या चोलिस्तान में तो करेक्ट आंसर क्या है ढोलावीरा में हमें जो है एक वाटर रिजॉर्वेयर का जो

मोहन जोदारो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इन मेसोपोटामियन टेक्स बहरेन इज नोन एज मेसोपोटामिया के टेक्स में बहरेन किस को रेफर करा गया है दिलमन को हरप्पा को ओमान को या मोहनजादर को यानी कि जो बहरेन है उसको क्या बोला गया है ठीक है तो दिलमन बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द मेजर सेंटर ऑफ बीड मेकिंग मेजर सेंटर बीड मेकिंग का क्या है वो भी मैंने ऊपर आपको कराया था

द इम्पोर्टेंट हरप्पन साइट फ्रॉम गुजरात गुजरात में से कौन सी इम्पोर्टेंट हरप्पन साइट मिली थी हमें हरप्पा मोहनजारो नागेश्वर या लोथल तो करेक्ट आंसर इज डी वन लोथल नेक्स्ट इन मेसोपोटामिया टेक्स्ट मगन इज यूज फॉर मगन वर्ड किसके लिए यूज़ करा गया है कौन सी साइट के लिए कौन सी कंट्री के लिए ओमान मेसोपोटामिया मगन मोहनजादारो तो करेक्ट आंसर इज ओमान ओमान को किसकी तरह रेफर करा गया मगन की तरह हरप्पा को बेलहुआ की तरह और दिलमुन को बहरेन की तरह ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वन स्पेशलाइज सेंटर फॉर शेल मेकिंग इज एक बताना है आपको इनमें से हरप्पा मोहनजादार और नागेश्वर या लोथल तो करेक्ट आंसर जिसकी नागेश्वर है तो ऊपर मैंने दो लर्न करवाए थे ना तो उनमें से एक यहाँ की मैंने देखो द लॉन्गेस्ट साइन कंटेनिंग इंस्क्रिप्शन कंटेन हाउ मेनी साइन तो जो हमारी हरप्पा की लॉन्गेस्ट इंक्रिप्शन है उसके कितने साइंस थे सिक्सटी टू ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी या टू सिक्सटी तो करेक्ट आंसर है इस ट्वेंटी सिक्स थे तो आप लर्न कर लो हमारे जितने अल्फाबेट्स एल्फोबेट उतनी ही लंबी इनकी जो थी लॉन्गेस्ट साइंस वाली जो इंस्क्रिप्शन थी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हरप्पन स्क्रिप्ट वॉज रिटर्न फ्रॉम विथ सैट कितनी साइड पर लिखी गई थी फ्रॉम टॉप टू बॉटम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फ्रॉम बॉटम टू राइट तो करेक्ट आंसर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट नो लिसन टू मी वेरी केयरफुल ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में तुम्हें तो घुमा सकता है बिकॉज इवन मी मैं कितनी बार इस क्वेश्चन को लन कर लूँ कि इवन मैं भूल जाती हूँ कि लेफ्ट टू राइट था या राइट टू लेफ्ट था तो भाई आप ऐसा कुछ अपना कोड वर्ड से लर्न कर लो कि बहुत सीधे साधे लोग थे हरप्पा वाले राइट टू लेफ्ट चलते थे पहले राइट right काम करते थे वे लेफ्ट का करते थे एज एनी थिंग हैव एनी कोड वर्ड इन योर माइंड की इनकी जो स्क्रिप्ट थी वो थी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ये आपको याद होना चाहिए फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ये लोग लिखते थे नेक्स्ट क्वेश्चन वेट्स वर यूजुअली मेड ऑफ विथ स्टोन इन इंडस इंडसाली सिविलाइजेशन वेट्स कौन से स्टोन का बना होता था लैपिस लैपिस्यूजुल कांड लाइन का चर्ट का या जास्पर का तो करेक्ट आंसर है चर्ट नाम का स्टोन से ये लोग जो थे वेट यानी कि तोल बनाया करते थे नेक्स्ट वेट्स आर जनरली मेड इन विद फॉर्म किस फॉर्म में इनके वेट्स बनते थे क्यूबिकल विद मार्किंग सर्कुलर विद मार्किंग कोनिकल विद मार्किंग या क्यूबिकल विद नो मार्किंग तो करेक्ट आंसर है क्यूबिकल होते थे विदाउट एनी मार्किंग तो आंसर डी करेक्ट है अगर आपको ये आंसर आता होता तो अच्छी बात थी ठीक है नेक्स्ट वट वॉज टाइप ऑफ लोअर डेनोमिनेशन ऑफ वेट्स कितने टाइप के लोअर डेनोमिनेशन वेट्स थे तो यहाँ गिवन है वन टू फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू अप टू ट्वेल्व थाउजेंड एट हंड्रेड लोअर डेनोमिनेशन वेट्स थे इनके ठीक है नेक्स्ट हु वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ए एस आई टेलमी डाउन इन द कमेंट सेक्शन कनिघम मार्शल कॉनियर या दयालाल झानी तो करेक्ट आंसर इज इवन कनिघम नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ कनिगम इंटरेस्ट इन हिस्ट्री कनिगम को कित, uh, मतलब कितने टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा फोकस उनका रहता था 600 हंड्रेड बी सी ई टू फोर हंड्रेड सी ई सिक्सटी बी सी ई टू फोर्टी सी ई सिक्स बी सी ई टू फोर सी ई या सिक्सटीन हंड्रेड बी सी ई टू फोर्टी सी ई तो करेक्ट आंसर इज एवन छः सौ बी सी ई से चार सौ सीई कॉमन एरा तक उनका इंटरेस्ट था नेक्स्ट क्वेश्चन हु अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशन इन इंडस वैली किसने डिस्क्राइब करा था इंडरसाइल सिविलाइजेशन को अनाउंस करा था कनगम ने मार्शल ने कौनर्ण्य दहलाल सानी ने तो करेक्ट आंसर इज जॉन मार्शल नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड हरप्पन साइट कौन से है? राखी गरी हरप्पा मोहन चौदह लोथल तो करेक्ट आंसर इज एवन राखी गरी जो है मोस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड साइट है ऑफ हरप्पा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लिस्ट द प्रोडक्ट्स टेकन बाय प्लांट्स इन हरप्पन सिविलाइजेशन प्लांट प्रोडक्ट्स कौन से थे इनके फिश और फ्लैश वीट एंड मिलेट पल्सिस एंड राइस या बोथ बी एन सी तो करेक्ट आंसर डी वन है बिकॉज फिश और फ्लैश गाइस प्लांट से नहीं मिलता है वीट मिलेट राइस जो थे ये प्लांट से लेते थे नेक्स्ट क्वेश्चन हरप्पन साइट इन हरियाणा वन हरप्पन साइट इन हरियाणा आपको पता ना है हरप्पा मोहनजादार लोथल बानावली तो करेक्ट आंसर इज बनावली इज वन हरप्पन साइड दैट इज लोकेटेड इन हरियाणा राइट नाउ ओके नेक्स्ट द साइट वी फायर अल्टर्स एंड प्लोट फील्ड वॉज फाउंड कहाँ पे फायर अल्टर्स और प्लोट फील्ड मिलती थी कालीबंगन हरप्पा मोहनजादारो लोथल तो करेक्ट आंसर इज ए वन कालीबंगन में प्लॉट फील्ड और इवन फायर ऑल्टर्स मिले थे नेक्स्ट क्वेश्चन अ अस्पेशलाइज सेंटर फॉर शेल मेकिंग बालाकोट हरप्पा मोहनजोदारो लोथल तो करेक्ट आंसर इज ए वन बालाकोट तो मैंने आपको अभी ऊपर लर्न कराए थे ना डायरेक्ट क्वेश्चन में नागेश्वर और बालाकोट में शेल मेकिंग होती है तो ये आपको सर्टेन डिफरेंट टाइप में से भी आ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी फाइव हु हैज रिटन द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्क्योलॉजी कनिंगम मार्शल दयालाल सानी एस एन रॉय तो करेक्ट आंसर इज एस एन रॉय नेक्स्ट क्वेश्चन who was the first professional archaeologist to work in india they? john marshall cunningham connor या दयालाल सानी तो करेक्ट आंसर इज जॉन मार्शल व्हाट वाज द न्यू टेक्निक्स दैट वाज फॉलोड बाय आर ई एम वीलियर ने कौन सी टेक्निक फाइंड करी थी टू फॉलो स्ट्रेटिग्राफी ऑफ द ग्राउंड देन डिगिंग ग्राउंडल लाइन या फिर टू डिग वर्टिकली एंड नॉट फॉलो द स्ट्रेटिग्राफी तो करेक्ट आंसर ए वन है उन्होंने स्ट्रेटिग्राफी को फॉलो करना यूज कर दिया था कि जिस टाइम पीरियड में से जिस लेवल पे से एक सामान निकलेगा उनको हम अलग रखेंगे ऐसे नहीं कि डिग करते जा जाने और सब सामानों का झुंड लगा लगाने जिससे पता ही नहीं चले कौन कौन से टाइम पीरियड्स में से निकला है क्वेश्चन नंबर ऑफ नॉट हरप्पन पीपल कौन से भगवान थे जिनको या कौन से कौन सी इनमें से जो है पूजनीय नहीं थे हरप्पा में नेचर गॉडेस जीसस क्राइस या पशु पशुपतिनाथ तो करेक्ट आंसर है इसका जीसस जीसस क्राइस्ट को पूजा नहीं करते थे हरप्पा सिविलाइजेशन के लोग वो नेचर को पूजते थे गॉडेस को पूजते थे और पशुपतिनाथ को पूजा करते थे नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वॉज नोट डू द हरप्पा इन में से कौन कौन से मेटल जो है हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग जानते थे ब्रॉन्ज सिल्वर कॉपर ऑल ऑफ द दर्थ तो करेक्ट आंसर इज ये सभी मेटल को यूज करते थे हमारे हरप्पा के लोग नेक्स्ट विच वॉर द लार्जेस्ट सिटी ऑफ हरपन सिविलाइजेशन कौन सी सबसे बड़ी सिटी है रप्पा की मोहन लोथल कालीबंगन या बालाकोट तो करेक्ट आंसर इज मोहन जोतारो तो गाइज यहाँ पे हमारे फोर्टी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं ब्रिक्स बीच बोन के काफी इनडेप्थ के क्वेश्चन थे ये सारी साइड्स कवर हो गई छोटू और मतलब जो भी कहाँ से फायर आल्टर कहाँ मिला प्लॉट फील्ड कहाँ मिली शेल मेकिंग बीड मेकिंग सब मैंने आपको यहाँ कवर करा दिया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके ब्रिक्स बीच बोन्स के एम की नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको कराऊंगी वो रीजन एजारशन और केस बेस्ड होंगी जिसमें सोर्सेस को इंक्लूड करा जाएगा ओके okay? तो एम सी क्यू मैराथन से कनेक्टेड रहना है आपको और एमसीक्यू मैराथन सिर्फ हमारे हिस्ट्री की नहीं पॉलिटिकल साइंस की भी लॉन्च हो चुकी है जोग्राफी की भी होगी सोशलॉजी की भी होगी साइकोलॉजी की भी होगी और इंग्लिश की एम सी क्यू मैराथन कम्पलीट हो चुकी है सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल गो एंड चेक आउट माई चैनल आपको ह्यूमैनिटीज का पूरा सिलेबस मिलेगा विद इंग्लिश इवन मैं फिजिकल एजुकेशन एंड म्यूजिक भी स्टार्ट करवाऊंगी तो यू कैन गो एंड चेक आउट माई चैनल एम सी क्यू मैराथन भी है डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है सो गो एंड स्टार्ट स्टार्टिंग ऑल माई स्टूडेंट्स एंड आल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो